नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा इंडिया यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट किया गया है सुशील कुमार मोदी, जो डिप्यूटी सीएम है बिहार की तरफ से। एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, उन्होंने कहा है जी, देखिए जो आईटीआई है मैक्सिमम पदों के लिए, ग्रुप डी का जो है मैक्सिमम जो पोस्ट है वो आईटीआई के लिए है, और बाकी सिर्फ 9000 पोस्ट ही है जो क्लास 10 के लिए है। तो उन्होंने कहा है जो रेल मंत्री को से उनका टेलीफोन में बात हुआ है, तो रेल पीयूष गोयल जी से, और पीयूष जी ने उनको ये आश्वस्त किया है कि नहीं, ये जो है हम लोग बहुत ही जल्द इसमें डिसाइड कर लेंगे क्या है, और हम लोग जो है इसको आईटीआई हटाने के लिए ये हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। तो क्लास 10, देखिए उन्होंने भी कहा है जे उम्र जो बढ़ा दिया गया है, तो उनके लिए उनको थैंक्स भी उन्होंने दिया है। एंड मोदी जी का भी कहना है जो, क्योंकि देखिए टेक्नीशियन और एलपी के लिए तो ठीक है, चलो उसमें तो आपको आईटीआई चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन ग्रुप डी की जहाँ सवाल है तो वहाँ आपको आईटीआई हटा देना चाहिए, सबको जो है एक पूरा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये सुशील कुमार मोदी जी का कहना है। तो ये ट्वीट है, तो मतलब ये एक अच्छा साइन है गाइस, सो दैट आप मान सकते हैं जो कुछ दिनों में, क्योंकि रेलवे मंत्री पीयूष जी अगर ये आश्वस्त करते हैं जी हाँ चलो हम लोग कुछ स्टेप्स लेंगे, और सुशील कुमार मोदी जी का अगर ट्वीट आता है, क्योंकि पटना में बहुत दिन से बिहार में पूरा कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहा है, वो सभी कैंडिडेट को बोले भी हैं भाई आप जो है शांति बजाय रखिए, ये ज़रूर रेल मंत्री से जो बहुत जल्दी कुछ एक डिसीशन आने वाला है, तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते, लेकिन ये गुड साइन है सभी के लिए। तो लेकिन मेरा यही है, आप अप्लाई करके अभी रखिए सभी पोस्ट, क्योंकि बाद में डेट अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो अगर नहीं अप्लाई करके रखोगे तो बाद में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। एक दो दिन में जितना मुझे लग रहा है, कुछ दो चार दिन में ही जो है फाइनल कुछ आ जाएगा रेलवे मंत्री की तरह, तो थोड़ा वेट करते हैं, फिंगर क्रॉस्ड रखिए सभी के लिए, अगर कर दे तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं इस चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा जानकारी देते रहते हैं, भले वो एजुकेशन पूरा फील्ड कोई भी जॉब हो, रेलवे हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, बैंक हो, तो ज़रूर बने रहिए चैनल में और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं गाइस नए वीडियो के साथ, मिलते हैं।